हेलो फ्रेंड, फैशन डिजाइनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो डार्ट बनाने वाले हैं वो डार्ट बनेगी हमारी सेंटर फ्रंट नेक। कौन सी डार्ट बनाने वाले हैं? सेंटर फ्रंट नेक। सबसे पहले हमने अपने सैंपल का किया है, ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा बेसिक सैंपल है, हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। और हम इसमें क्या करने वाले हैं तो इसे हम पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको समझाएंगे कि इसमें क्या करना। सेंटर है नेक का, ठीक है। तो इस सेंटर फ्रंट नेक जो हमें डार्ट निकालना है तो बिल्कुल इसके सेंटर से और हमें इसे अपना अपेक्स पॉइंट पर मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे मिला देंगे और जो आपका नीचे वाला डार्ट है वेस्ट, इसको आप खत्म करेंगे। आपको इसको क्या करना है, मर्ज करना है। तो हमेशा की तरह जैसे आप निकालते आए हैं वैसे ही अपनी डार्ट को निकालेंगे अपेक्स पॉइंट तक। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको ये डार्ट अच्छे से निकालना आता है। इस तरीके से आप इसे निकाल देंगे और जो सेंटर वाला जो आपका पोजीशन है उसे क्या करेंगे, उस आपकी उस स्ट्रेट लाइन को आप कट करेंगे। कहाँ तक? अपेक्स पॉइंट तक। आपको 1 पॉइंट के करीब छोड़ देना है। अगर आपने कंप्लीट कट कर दिया तो क्या होगा, आपका सैंपल अलग हो जाएगा। और अपने वेस्ट डार्ट को क्या करना है, किसी भी चीज से, टेप से, फेविकोल से आपको क्या करना है, उसको बंद करना है। इस तरीके से आप इसे बंद करेंगे, जैसे कि मैंने इस पे टेप लगा दिया है। ये बहुत आसान है इस तरीके से काम करना। ये देखिए हो चुका है हमारा इतना काम। दूसरा पेपर लीजिए और इसको इस पे ट्रेस कीजिए और देखिए कि आपका जो डार्ट है वो किस तरीके का दिखाई देता है। आपको अपने सेंटर को इस तरीके से मिला देना है और उसके बाद आपको ट्रेस करना है। इस तरीके से मिलाना है और ट्रेस करना है। यहाँ पे आप छोटी सी प्लेट दे सकते हैं, डार्ट लगा सकते हैं, टच डाल सकते हैं। ये सब करना आपके अपने डिजाइन के ऊपर है कि आप अपने गारमेंट्स में यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे आप केसिंग बना सकते हैं और काफी सुंदर लगता है जब आप केसिंग बनाते हैं इसके अंदर, वो भी काफी सुंदर लगता है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और अब अपने सैंपल को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करना है आपको, अपने सैंपल को कट करना है। तो ये हम सिंगल पेपर पे कर रहे हैं। जब आप फैब्रिक पे कट करेंगे तो आपका फैब्रिक फोल्ड होना चाहिए, तब आप इस पे काम करेंगे। हमारे साथ रहकर आपको इतना काम तो आ ही गया होगा कि आप अपनी डार्ट को आसानी से कैसे बना सकते हैं। और ये जो डार्ट है ये हमारा क्या है, सेंटर फ्रंट नेक। तो इस डार्ट का नाम है हमारा आपकी इस डार्ट का नाम है सेंटर फ्रंट नेक डार्ट। ओके, तो आप इस तरीके से अपना सेंटर फ्रंट नेक डार्ट निकालेंगे। बहुत इजी है इसे निकालना, ऐसा कोई ये नहीं कि आप इसे ऐसे नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत आसान है इसे निकालना। अब इसके बाद हमारा 2 डार्ट्स रह गया है डार्ट सीरीज में, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
धीरे धीरे आपके पास सारी वीडियो आती रहेगी, आप सीखते जाइए, हम सिखाते जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आप सीखें, अच्छा सीखें और हम आपको सिखाएं। सो प्लीज़ आप हमारी जो वीडियो है उनको शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इनसे सीखना चाहते हैं। देखो, बेसिक मेथड से आप सूट सीख सकते हो, कटिंग करके सलवार सीख सकते हो, पैंट सीख, लेकिन आप अगर एक स्टैंडर्ड माप से, एक स्टैंडर्ड आप अपनी डार्ट्स का, अपनी प्लीट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके गारमेंट्स में चार चांद लग जाते हैं, आपकी फिटिंग्स में। तो वो आप सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप किसी प्रोफेशनल काम कर सकेंगे। आप सोचते हो कि वो बुटीक वाला इतना अच्छा काम करता है या वो डिजाइनर इतना अच्छा काम करता है, वो किस लिए करता है? क्योंकि उसको ये सारे काम आते हैं, ये सारी डार्ट आती है। तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डार्ट के साथ। बाय।